जो अब क्या करने जा रहे हैं, अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हमने क्या करना है? आपको याद होगा करीब 3 महीने पहले हमने एक प्लेसमेंट ड्राइव करी थी जिसमें हमने तकरीबन 94 बच्चों को जॉब दिलाया, क्योंकि उस समय सिर्फ 200 बच्चों को हम लेकर आए थे एक यूनिवर्सिटी में। इस बार क्या कर रहे हैं कि हम 12 यूनिवर्सिटी में, 12 यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, ये HPRC कर रही है, लेकिन जॉइंट कैंपेन है तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं और इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है, कॉलेजेस शामिल हैं, ITIs, पॉलिटेक्निक सब शामिल हो रहे हैं इस कैंपेन में। एक जॉइंट प्लेसमेंट ड्राइव होने जा रहा है 6 मई को। और 12 यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ किया कि एक तो काफ़ी स्पेस है उस इलाके में और तकरीबन सेंट्रल जगह है, तो वहाँ पर हमने CM साहब से रिक्वेस्ट किया है कि वो आएँ और इनॉग्रेट करें प्लेसमेंट ड्राइव को। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल हाउसेज आएंगे, और अभी तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बच्चों जो इंटरेस्ट दिखाया है आने का, वो तकरीबन 600 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दी है, करीब 900 बच्चों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, तो अब मुझे लगता है कि 1.5 से 2 हज़ार बच्चे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ड्राइव के लिए 6 मई को 12 यूनिवर्सिटी आएंगे। तमाम अपने मीडिया बंधुओं से कि आप लोग आएँ और दोनों इन इवेंट्स में भाग लें, और इसका रेगुलेटरी कमीशन ने सबसे पहले शुरू किया अभियान, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को जो सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके नियम के अनुसार चलाएं, के ऊपर कार्रवाई करी है, उनसे क्वेश्चन किया है और कुछ कॉलेजेस को फाइन भी किया, एक कॉलेज को हम बंद करना चाह रहे हैं, तो ये हो रहा है कार्रवाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। सरकार में बड़े ओहदों पर भी हैं, क्या उन इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी कार्रवाई की गई है? उदाहरण के तौर पर आपने BEd का जिक्र किया, नर्सिंग कॉलेजेस का जिक्र किया, ऐसे कई निजी शिक्षण संस्थान हैं